हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड फर्स्टली आप सबको हैप्पी दिवाली। एंड ये वाला आउटफिट है मेरा दिवाली लुक बुक का, जो कि मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। आई होप आपने सबने वॉच किया होगा। एंड या दिस इज़ द आउटफिट जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया था, और इसका लिंक आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड वीडियो में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो या दिस इज़ माय फाइनल यू नो आउटफिट जो कि मैंने इस दिवाली पे वेयर करा है इस लुक के लिए। एंड इसकी जो मेकअप लुक है वो मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। सो या स्टे ट्यून एंड लेट्स इनटू द वीडियो। सो फर्स्टली यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप टोनर, एंड इससे मैं अपने फेस को हाइड्रेट कर लूँगी। एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। सो या नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की ग्रीन टी मॉइस्चराइजर क्रीम, जो कि काफ़ी अच्छी है, ड्राई स्किन वालों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड इसको मैं अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं फेस काफ़ी अच्छा सा मॉइस्चर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डोसिप का सीरम ले रही हूँ, एंड क्योंकि मेरे को ड्यूई मेकअप चाहिए तो मैं उसके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से सीरम अप्लाई कर लूँगी, जिससे मेरे फेस को एक अच्छा सा हाइड्रेट मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे मैं किस ब्यूटी का कलर करेक्टर पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मैंने ये ऑरेंज सा शेड लिया है फॉर हाइडिंग माई डार्क सर्कल्स, जो कि थोड़ा स्किन डार्क लग रही है जहाँ जहाँ मुझे, मैं वहाँ पर इसको अप्लाई करूँगी अपने आईज़ पे, डाउन साइड एंड अपर साइड आईलेट पे भी, सब जगह मैं ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करूँगी, देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लाइट वाला शेड ले रही हूँ, जो मेरी स्किन टोन से थोड़ा लाइट है, एंड मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने आईलेट पे एज अ प्राइमर। हम इसको अप्लाई करेंगे बेस, सॉरी। तो यहाँ पे जैकलिन हिल पैलेट का मैं ये पैलेट ले रही हूँ, इसमें से मैंने ये ब्राउन एंड थोड़ा सा पीची काइंड ऑफ शेड लिया है, और इसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। मेरी आईलेट्स छोटी हैं तो मैं यहाँ पे एक छोटा फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी आईज इसी तरीके से छोटी हैं तो आप छोटा फ्लफी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वाला थोड़ा सा रेड टेंट कलर है, इसको मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से जस्ट कॉर्नर्स में अप्लाई करूँगी, एंड हल्का हल्का सा उसको वी शेप देंगी, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा लुक लगे। देन यहाँ मैं अपनी आईलेट पे ये थोड़ा यू नो ग्लिटरी काइंड ऑफ शेड है, बट इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है। सो या मैंने थोड़ा सा फिंगर से अप्लाई करने की कोशिश की, बट ये उतना अच्छे से नहीं उभर के आया जैसा मैं चाह रही थी। सो या इसको अप्लाई करने के बाद मुझे नहीं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ, सो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया स्टीला का, जो कि लिक्विड यू नो आई शेडो है, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट सो गुड गाइज। एंड मुझे इसके बाद रियलाइज हुआ मेरे पास ग्लिटर आई शेडो नहीं है, सो अब मुझे यही परचेज करने हैं सबसे पहले। सो या नेक्स्ट यहाँ पे जो भी फॉल आउट होगा मैंने उसको रिमूव किया है। देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर ले रही हूँ फॉर हाइड्रेटिंग एंड ग्लोई, मेरे को जो स्किन चाहिए वैसा। एंड एज यू कैन सी जस्ट डूई लुक, आई लव डैट। सो या इसको ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सुपर स्टे फाउंडेशन, जो कि मैबेलिन का है, आइवरी शेड है मेरा 112, एंड इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। एंड मैं वन साइड पे पहले अप्लाई करती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा ड्राई करता है मेरी स्किन पे अप्लाई होने के बाद। सो या नेक्स्ट यहाँ पे इसको ब्लेंड करने के बाद पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी। देन मैं आई एम सी डैम का यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर, एंड एज यू कैन सी के फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आप कंसीलर यूज़ करिए तो आपको कवरेज अच्छी मिलती है, एंड आपको कंसीलर भी कम यूज़ करना पड़ता है। सो आप कभी ट्राई करना ऐसा। ओके, सो इसको ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे कंटोर स्टिक ले रही हूँ, जो कि एन वाई रनवे की है, एंड ये काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है। सो इसको मैं एज अ थ्री अपने फेस पे ड्रॉ करूँगी फॉर कंटोरिंग माई फेस। नेक्स्ट यहाँ पे मैं नोज़ कंटोर करूँगी इसी स्टिक से, जिसे आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही करना है। देन यहाँ पे मैं लिप्स के नीचे थोड़ा करूँगी, जिससे मेरे यू नो फ्लफी लगे थोड़ा सा। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर, जो कि स्टे कुर्की का है, एंड काफ़ी अच्छा पाउडर है, इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, सो अफोर्डेबल भी है, यू कैन गो फॉर इट अगर आप कुछ अफोर्डेबल में देख रहे हैं तो। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको अपने सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी।
देन मैं कंटोर को जो मैंने लगाया था उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश, जो कि कंटोर ब्रश होता है। एंड उसको ब्लेंड करने के बाद नोज़ पे से मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी, और ब्रश से इतना अच्छा नहीं होता है तो आप फिंगर यूज़ कर सकते हो। देन मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी, एंड मेक श्योर कि आईब्रोज जब आप फिल करें तो गाइस यू नो मिड से स्टार्ट करिए हमेशा, एंड देन आप स्लोली डाउन जाएं बैक साइड, देन आप आगे फ्रंट साइड उसको यू नो आईब्रोज बनाएं। सो इससे काफ़ी अच्छी तरीके से आपको हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छी तरीके से आईब्रोज आपकी बन जाएंगी। सो या नेक्स्ट भी मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, एंड यहाँ मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ फॉर यू नो अपनी आईब्रोज को थोड़ा पॉइंटेड करने के लिए, आप देख सकते हैं। देन मैं ब्लेंड कर दूंगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बेला वोस्टा का मस्कारा, क्योंकि हमें आईलैशेस लगानी है तो नॉर्मल सा, तो मैं नीचे भी लोअर लैशेज पे भी इसको अप्लाई करूँगी। देन मैंने यहाँ पे फर्स्ट लैशेज अप्लाई कर लिए हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्टे क्विकी का आईलाइनर ले रही हूँ। एंड ये गाइस प्लीज़ डोंट बाय इट, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसका जो एप्लीकेटर है वो इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने गोल्डन काजल लिया है, इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने वाटर लाइन पे। नेक्स्ट ये वाला शेड एक यू नो रोज गोल्ड काइंड ऑफ शेड है, जो मैं अपने वाटर लाइन पे लगाऊंगी इनर साइड पे। देन मैंने रेड कलर लिया है आउटर साइड पे लगाने के लिए वाटर लाइन पे। देन मैं अपना ये जो लूज पाउडर था उसको मैं रिमूव कर दूंगी इस ब्रश की हेल्प से, इस तरीके से जहाँ जहाँ मैंने लगाया था लूज पाउडर मैं उसको रिमूव कर दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ एसएफआर का कंटोर पैलेट, इसमें से मैंने कंटोरिंग के लिए इसको लिया है पाउडर कंटोर, और इसको भी मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। नोज़ पे लगाने के लिए मैंने एक छोटा पेंसिल ब्रश लिया है स्मॉल, और क्योंकि बड़े ब्रश से नहीं होता अच्छे से। सो या नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसी पैलेट में से वाला ब्लश लूँगी, थोड़ा सा लाइट पिगमेंटेशन है इसकी तो थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपके पास भी है तो। ओके नेक्स्ट यहाँ पे मैबलिन सुपर प्रो मैंने ये मास्टर क्रीम सॉरी हाईलाइटर लिया है, दिस इज़ वेरी गुड हाईलाइटर, और या इसको भी अप्लाई कर लेंगे हम अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स पे, एज यू कैन सी क्यूपिड्स जेनेरिया। नेक्स्ट यहाँ पे NYP रनवे की ये लिपस्टिक है, इसका शेड आई थिंक सॉम्ब्रे समथिंग है। सो या इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे आउटर लाइन्स देख करके, देन इसको फिल कर लेंगे अपने लिप्स पे। एंड ये लिप्स का शेड बहुत प्यारा था, और इसमें हल्का सा पिंक टच आता है, इट्स नॉट अ प्रॉपर टोमेटो रेड कलर। सो या नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज़ करूँगी, देन थोड़ा सा यू नो डैप कर देंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल्स सिंपल ट्विस्टेड हेयर रखे हैं, और आप अगर सेंटर पार्टीशन लगाते हैं तो आप सेंटर पार्टीशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट दोनों साइड से थोड़े से हेयर्स को लेके ट्विस्ट करा है, एंड टिक टैक पिंस लगाई हैं, ये थोड़ी सी रेड कलर में थी या थोड़ा सा मैची, तो इसको मैंने इस तरीके से बनाया है, एंड आगे हल्की सी प्लीस निकालेंगे। सो दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बिंदी अप्लाई करूँगी, जस्ट अ स्टोन बिंदी। देन मैंने आउटफिट चेंज कर लिया, एंड नेक्स्ट दिस इज द प्रिटी इयररिंग, आई जस्ट लव दैट इयररिंग गाइस सीरियसली। सो माय फाइनल लुक इज देयर। नेक्स्ट इज एक्सेसरीज, एंड इसको हम कैरी कर लेंगे। आई लव दिस बैंगल्स ऑल्सो, कुंदन बैंगल्स। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, बट मैंने ये लोकल मार्केट से खरीदा था। सो या That's it.